ये अम्बोसी कोई भारत का नहीं है तो विश्व विख्यात मंदिर है माता का। लोग जो भी आस्था लेके आते हैं, साधु संत आते हैं यहाँ आस्था लेके अपनी सिद्धियों के लिए, कोई अपने बच्चे परिवार के लिए आते हैं, उनकी आस्था पूरी होती है। देखो आसाम में हमेशा बारिश होता है लेकिन अम्बोसी के टाइम पे बारिश नहीं होता है, क्योंकि माता को पता है इतने लोग यात्री आते हैं आस्था लेके वो परेशान होंगे, इसलिए माता के मंदिर पे 3 दिन बारिश नहीं होता है। ये सबसे बड़ा शक्ति देखा मैंने माँ का। नमस्कार प्रिय দর্শক, আজি অম্বুবাসী তৃতীয়টো দিন। বিগত দুটা দিন যিদরে ভক্তর আগমন পরিলক্ষিত হয়েছিল ঠিক একদরে তৃতীয় দিনও হাজার হাজার ভক্তর আগমন পরিলক্ষিত হয়েছে। আজিও তার ব্যতিক্রম নহয়, বহু ভক্তর আগমন পরিলক্ষিত হয়েছে। দেশ বিদেশের সাধু সন্ন্যাসী ভক্ত সকল দর্শনার্থী সকল ইয়ালৈ আহিছে আর মন্দির সহদত মন্ত্রোচ্চারণ শুনবলে পাওয়া গেছে, লগতে সাধু সন্ন্যাসী সকলে তপ জপ করে থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে আর হাজার হাজার ভক্ত এইদরে মন্দির প্রদক্ষিণ করে থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে। আর আজি দিনটির সামগ্রিক পরিবেশ আপনার দেখার যত্ন করেছে। मैं हरियाणा से आया हूँ बाबा जी। अम्बोसी क्या बोलेंगे, ये अम्बोसी कोई भारत का नहीं है तो विश्व विख्यात मंदिर है माता का। लोग जो भी आस्था लेके आते हैं, साधु संत आते हैं यहाँ आस्था लेके अपनी सिद्धियों के लिए, कोई अपने बच्चे परिवार के लिए आते हैं, उनकी आस्था पूरी होती है। देखो आसाम में हमेशा बारिश होता है लेकिन अम्बोसी के टाइम पे बारिश नहीं होता है, क्योंकि माता को पता है इतने लोग यात्री आते हैं आस्था लेके वो परेशान होंगे, इसलिए माता के मंदिर पे 3 दिन बारिश नहीं होता है। ये सबसे बड़ा शक्ति देखा मैंने माँ का। मैं सभी से माता से कृपा करता हूँ, जितने भी भगत आए हैं और भारतवर्ष में, माता सबका भला करे। मैं 17 ईयर से आ रहा हूँ कंटिन्यू, हाँ कंटिन्यू 17 ईयर से आता हूँ। हमें कुछ भक्ति दिखता है, हमें तपस्या है, हमारा यहाँ पे आके सिद्ध होता है। मैं माता से प्रार्थना करूँगा कि माता जी सबका भला करे। मैं बाबा हिमाचल हरियाणा से, जन्मभूमि हरियाणा से, स्थान हमारा हिमाचल है बाबा। इधर से मैं काफ़ी समय से आ रहा हूँ, लगभग 9 साल से आ रहा हूँ। बहुत अच्छा प्राचीन शक्तिपीठ है माँ कामाख्या का, और इसके दर्शन में देश विदेश से लोग आता है और सबका मनोकामना माँ पूर्ण करता है। बड़ी आस्था है, लोगों का बड़ा विश्वास है, तभी इधर आते हैं। और अच्छा लगता है इधर में आके, बहुत अच्छा प्रशासन ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है, भीड़ को जैसे गैदर किया है उसको अच्छा से हैंडल किया है, ये देख के बहुत अच्छा लगा बाबा। ये व्यवस्था बहुत अच्छा है और सबको ही हर प्रकार की सुविधा दी है। नहीं नहीं, मैं आगते ইয়াত আই পোৱা নাই মেলাত, এবাৰ ফার্স্ট আইছো, ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। মই তেজপুৰ বালিজুৰিৰ পৰা আইছো, ধেৰে ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। আহিলো মাৰ কামাখ্যাৰ দৰ্শন কৰিলো, ধেৰ সাধু সন্ত আহিছে, ধেৰ পণ্ডিত আহিছে, ধেৰ বাহিৰৰ পৰা ইমান দিন খোজকাঢ়ি কোনোবাই খোজকাঢ়ি আহিছে, কোনোবাই ভোকত বহি আহিছে, বহুত ভাল লাগিছে মোক। এটা এবাৰ ফার্স্ট টাইম আহিছো লেকিন ধেৰ ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে, মই ৰাখিক ল'ব আহিছোঁ কষ্ট কৰি, ভাল লাগিছে, বেয়া লগা নাই, সাগৰ লগা নাই। মা ৰাখিক পাব বিচাৰিছোঁ আৰু, পৰিয়াল বংশ ৰাইজৰ সকলোৰে মংগল হওক, সেয়াই বিচাৰিছোঁ আৰু। কলকাতাছে হম মাক বাড়ি কিয়া বোলে হম हम तो 40 साल आते हैं यहाँ से, बड़ी घर में बैठते हैं हम, अच्छा लगता है, माँ का बुलावट है तो आ गया। আপোনালোক আজিৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখিবলৈ, আজি যিহেতু অম্বুবাচীৰ তৃতীয় দিন আৰু তৃতীয় দিনাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহিছে, দেশ বিদেশৰ বহু প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহিছে, সাধু সন্ন্যাসীসকল আহিছে, সকলোৰে মন্তব্য লোৱাৰ মই চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকক আজিৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱালোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত মৰম কৰি আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।